मक्खियों का कोई समाधान न होने से परेशान पंजाब सीमा के साथ सटे जिला बिलासपुर के गांव मोड़ा गरा री सनन खातियाल चमड़ोली के ग्रामीणों ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नैना देवी ती शर्मा की अगुवाई में गरा मोड़ा स्थित पोल्ट्री फार्म के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना था कि पोल्ट्री फार्म की गंदगी से उनके घरों में बढ़ती जा रही इन मक्खियों की भरमार से उनका जीना दुश्वार हो चुका है तथा इसे निजात हेतु वे प्रशासन के समक्ष कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। मक्खियों का कोई समाधान न होने से परेशान पंजाब सीमा के साथ सटे जिला बिलासपुर के गांव मोड़ा गरा री सनन खातियाल चमड़ोली के ग्रामीणों ने यूथ कांग्रेस अध्यक्ष नैना देवी ती शर्मा की अगुवाई में गरा मोड़ा स्थित पोल्ट्री फार्म के समक्ष रोष प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि पोल्ट्री फार्म की गंदगी से उनके घरों में बढ़ती जा रही इन मक्खियों की भरमार से उनका जीना दूभर हो चुका है तथा इससे निजात हेतु वे प्रशासन के समक्ष कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों का कहना है कि गंदगी के कारण कई लोग टीबी जैसी गंभीर बीमारी से ग्रसित भी हो चुके हैं, तो मक्खियों की ये भरमार अन्य बीमारियों को भी न्योता दे रही है। इसके साथ ही ग्रामीण कहते हैं कि मक्खियों के झुंड के कारण उनके घरों में किसी समारोह के दौरान बनाए जाने वाले भोज को भी खाने से उनके रिश्तेदार कन्नी काटते हैं, जिससे उन्हें सबके सामने मजबूरन लज्जित होना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि इन मक्खियों से निजात बारे जिलाधीश से लेकर स्थानीय प्रशासन तक सबके पास गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन फिर भी इन मक्खियों का कोई समाधान नहीं निकल पाया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि 4 नवंबर से पहले मक्खियों से निजात बारे आवश्यक पग नहीं उठाए गए तो सभी गांववासी मिलकर आंदोलन का रूप अख्तियार करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। पोल्ट्री फार्म द्वारा मक्खियों की रोकथाम के लिए परिसर में तो सफाई रखी ही जाती है, इसके साथ ही नजदीकी गांव में भी उनकी टीम द्वारा पर्याप्त स्प्रे छिड़काव किया जाता है, जिसके बाद बकायदा रजिस्टर पर ग्रामीणों के हस्ताक्षर लिए जाते हैं। प्रवीण सैनी ने कहा कि जहां तक मुर्गों के अवशिष्ट पदार्थ की बात है तो फार्म द्वारा इन्हें ग्रामीण किसानों को खाद के रूप में इस्तेमाल करने के लिए इस अवशिष्ट पदार्थ को निःशुल्क मुहैया करवाया जाता है तथा शेष बचे भाग को बनाई गई डंपिंग साइट पर ढक कर रखा जाता है। लेकर आज तक टिल 2 अक्टूबर हमने जो फार्म में स्प्रे की 30-35 लाख की स्प्रे करते हैं डेली रोटेशन में, जो स्प्रे होती है गांव में भी करते हैं फार्म में भी करते हैं। उसके बाद हम अपनी जो रोटेशन में हमारी चलती है 10-15 दिन की, वो इस मंथ हमने 4 या 5 लाख रुपए की दवाई स्प्रे कर चुके हैं जो मैन्योर चिकन मैन्योर में होती है, और लोगों को हम जो खाद होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाते हैं। उसमें सिर्फ ओनली हम लेबर चार्जेज होता है, अगर नहीं कोई भी किसान अपना नहीं लाता क्योंकि हमें लेबर चार्ज करना पड़ता है, बाकी हम फ्री ऑफ कॉस्ट सबको देते हैं। ना ही इसकी डंपिंग ज़्यादा करते हैं हम, क्योंकि खाद उठ जाती है तो लोग ले जाते हैं, तो इसका चार्जेज होगा नहीं। बार बार स्प्रे जो भी किसी फंक्शन के लिए कहीं बुलाते हैं लोग, तो हम वहाँ पर अपना बंदा भेजते हैं, उसके लिए प्रॉपरली रजिस्टर लगाया गया है, स्प्रे करवाते हैं और बंदा भी अपना बाबूजी भी जाते हैं जो हमारा सुपरवाइजर, वो साथ में जाते हैं गाँव में देख कर आते हैं, फिर स्प्रे भी करते हैं टाइम टू टाइम। तो ऐसा करते हैं हम स्प्रे, तो मंथली 4-5 लाख रुपये की दवाई स्प्रे होती होती है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।